पंचकुला से आ रही है बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि हरियाणा युवा कांग्रेस द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर किया गया नारेबाजी व प्रदर्शन। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर पुलिस बल की भारी बैरिकेडिंग की गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को नजर आई। तो वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते नजर आए प्रदर्शनकारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में घुसने का जमकर किया गया प्रयास, तो वहीं भारी पुलिस बल द्वारा प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोका गया। देखिए, आज हरियाणा युवा कांग्रेस का एक साथी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC बोर्ड, जिसे मैं हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन का नाम दूंगा, इस बोर्ड के अंदर शायद ही कोई ऐसी भर्ती हुई हो जिसके अंदर पेपर लीक का या भ्रष्टाचार का मामला ना निकल के आया हो। और अभी हाल में ही परसों हरियाणा मेल पुलिस कॉन्स्टेबल की 7200 से ज़्यादा वैकेंसियों के अंदर 8.5 लाख हरियाणा के युवाओं ने अप्लाई किया, पेपर दिया, परंतु इस सरकार के इस बोर्ड के अंदर बैठे उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से वो पेपर लीक हुआ और 8.5 लाख युवाओं को जो है उसके लिए झेलना पड़ा। आज इसीलिए हरियाणा युवा कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन करने आई है, और शायद ही कोई ऐसी भर्ती थी पीछे हरियाणा में जिसके अंदर ऐसा कोई मामला ना निकल के आया हो। पर हर बार हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, ये सभी लोग हर बार HSSC बोर्ड की नाकामियों के ऊपर हमेशा चुप्पी साध लेते हैं, ना ही किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती। सिर्फ एक खाना पूर्ति के तौर पर 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें मामला रफा दफा कर दिया जाता है। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि शायद हमारे इस प्रदर्शन से, हमारी इस आवाज़ से ये बहरी सरकार, ये बहरा चेयरमैन शायद ही अपनी नींद से जाग जाए। और हम ये मांग करते हैं कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां जिनके अंदर भ्रष्टाचार या पेपर लीक के मामले हैं, या परसों जो हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्तियां थी, उन सब की CBI के राही जांच होनी चाहिए, ताकि इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस बोर्ड के अंदर, चाहे वो निचले स्तर का अधिकारी है, चाहे वो उचले स्तर का अधिकारी है, जो भी इस भ्रष्टाचार के अंदर मिला हुआ है वो लोगों के सामने आए, उस पर FIR दर्ज हो और उसे सजा मिले। और आज मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार के अंदर ये 28वां पेपर लीक हुआ है, और आज इस सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया है। आज उसी रिकॉर्ड के लिए हम इस बोर्ड को, जो इन्होंने इतने पेपर लीक कराए हैं, पेपर लीक कराने में रिकॉर्ड कायम करने के लिए आज इस सरकार को हम एक ये ट्रॉफी देने आए हैं, ये पुरस्कार देने आए हैं, कि शायद ये पुरस्कार लेकर इस सरकार को थोड़ी लज्जा आए, थोड़ी शर्म आए, और ये सोई हुई सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार अपनी नींद से जागे और हरियाणा के युवाओं के भविष्य की ओर नज़र करे। इसलिए आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया, और हम ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि एक एक मामले की CBI जांच होनी चाहिए, और जो भी उच्च अधिकारी, क्योंकि अगर पेपर लीक का मामला है तो ये मामला कोई निचले स्तर का नहीं है। सिक्रेसी ब्रांच पर इतना पैसा खर्च होता है, और उसमें एक या दो लोग ही हैं बोर्ड के जिसके ऊपर उनकी जो है कंट्रोलिंग होती है, आज वो लोग भी शक के दायरे में है। इसलिए CBI जांच होनी चाहिए, और चाहे उच्च अधिकारी हों चाहे निचले अधिकारी हों, सभी को इस जांच के अंदर सम्मिलित करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के, तो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है, और उनके खिलाफ, उनके फैसले के खिलाफ जो भी लोग आवाज़ उठाएं उन पर ये इस तरीके का जो है व्यवहार करते हैं। और मैं तो बताना चाहूँगा, पिछले समय में भी इसी बोर्ड के सामने प्रदर्शन करने पर अपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, परंतु हरियाणा युवा कांग्रेस की बुलंद आवाज़ श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इसी तरीके से युवाओं की आवाज़ उठाती रहेगी, और जहाँ जहाँ हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय होगा, हरियाणा युवा कांग्रेस का झंडा इसी तरीके